आज मैं आपको एक अनोखी पूजा के बारे में बताना चाहूंगा। ये ध्यान रखना होगा कि पूजा पाठ करें या न करें, जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपको एक अनोखी पूजा के बारे में बताना जा रहा हूं कि जिसे करके आपको अपने जीवन में काफ़ी लाभ मिलेगी। लोगों का ये प्रश्न होता है कि मतलब कि जो लोग अगर पूजा पाठ नहीं करते हैं तो या पूजा पाठ मैं नहीं करूं फिर भी कैसे उन्नति हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पूजा पाठ करें या न करें, आपके आसपास जो लोग हैं वो भी किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके प्रति जो आपका कर्तव्य है उसे निभाना भी एक पूजा के समान ही है। मैं कई सारे प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि आपके माता पिता, गुरु, संतान, पत्नी, पति, ये सभी किसी न किसी ग्रह के ही लिविंग फैक्टर्स हैं और उनका देखभाल करना, उनके प्रति जो आपका कर्तव्य है उसे पूरा करना वो बहुत ही आवश्यक है, तभी आपको किए गए पूजा का भी फल प्राप्त होगा। ये पूजा पाठ तो ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ के लिए, लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते भी हैं और अगर आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, आपकी जो जिम्मेवारियाँ हैं, आपके जो रिश्ते हैं वो अगर ठीक नहीं है, उनके प्रति आप समर्पित नहीं हैं, या जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं, या आप 2 घंटे मंदिर में पूजा करते हैं और बाहर निकल करके 4 लोगों का काम बिगाड़ देते हैं, तो वैसी पूजा का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। और आप अपने आप को उस तरीके का अगर धार्मिक व्यक्ति समझ रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत टफ चीज़ है। पूजा कर लेना फिर भी आसान है, अंगूठी पहन लेना आसान है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ही मुश्किल चीज़ है। उसको करना लोग चाहते नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसको किए बिना कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। और पूजा पाठ का भी फल आपको तभी मिलेगा जब आपके लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है कि अगर आपका माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है, पति पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है, संतान के प्रति जो कर्तव्य है, मित्रों के प्रति जो कर्तव्य है, वो अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हैं तो वो पूजा व्यर्थ है, उसका कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को समझते हुए ही हमें अपने जीवन को इस तरीके से बिताना चाहिए कि जिसमें कि हमारी सारी जो कर्तव्य परायणता है वो पूरी हो सके। अब ये जो चर्चा हम लोग आज कर रहे हैं रिलेशनशिप का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने का, कर्तव्य का, तो कर्तव्य का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ उनकी फिजिकल और मटेरियल नीड्स का ही ध्यान रखें। उनसे आप पूछें उन्हें क्या कष्ट है, नहीं कष्ट है, और बातचीत करें, एक इमोशनल शेयरिंग होनी चाहिए, इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए आपस में, ताकि लोग खुल करके आपसे बात करें और सिर्फ काम धंधे के प्रति ही आपका फोकस नहीं रहना चाहिए, बल्कि फैमिली और सोसाइटी और जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनके प्रति। कर्तव्य कहने का मतलब ही यही है कि आप बातचीत कर रहे हैं या नहीं, आप उनका क्या हाल है वो जान रहे हैं या नहीं, और इसको पूरे कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझना पड़ेगा। और तब आप इस चीज़ को अगर कर रहे हैं तो वही असली पूजा है, और फिर आपको ईश्वर की पूजा का भी तभी पूरा प्रभाव मिलेगा, पूरा फल मिलेगा। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।